आज हम आगे विशाखापट्टनम। भैया कौन सी मशीन लगाने जा रहे हो? वंजरम। वंजरम। तो मछली देख सकते हो यहाँ पे आ चुकी है। अब इसमें देख सकते हो मसाले लगाए जाएंगे। तो मसाले पहले से घर से रेडी करके लेके आए हैं। तो भैया क्या क्या रहता है इसमें? चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, फिश मसाला, तो काफी सारे मसाले रहते हैं इसमें। तो अच्छे से देख सकते हो मछली के ऊपर यहाँ पे लेयरिंग की जा रही है। तो भैया हम नेक्स्ट कौन सी फिश लगाने जा रहे हैं यहाँ पे? पॉम्पेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चंदुआ। तो अच्छे से देख सकते हो इसके ऊपर मसाले की लेयरिंग की जा रही है। दोनों साइड इसके अच्छे से मसाला लगाया जाएगा। तो भैया इसको भी एक घंटा रखेंगे मैरिनेट कर? हां, इसको भी एक घंटा रखा। तो फिश मैरिनेट हो चुकी है, घंटा इसको यहाँ पे रख दिया जाएगा। तो सबसे पहले वंजरम फिश को यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखते कितनी सारी फिश यहाँ पे मैरिनेट करके लगा दी गई है। 15 से 20 फिश रहती है भैया। हाँ। सभी मछली को अच्छे से यहाँ पे मैरिनेट कर दिया गया था। तो नेक्स्ट कौन सी फिश लगा रहे हो? कोनम। कोनम फिश, ये ज्यादा कॉस्टली होते हैं, 5000 kg। तो अभी नेक्स्ट कौन सी फिश लगा रहे हो? मंडूगप्पा। मंडूगप्पा, तो इसका प्राइस कितना रहता है? ये 250 से स्टार्टिंग है। 250 rupees kg। तो नेक्स्ट देख सकते हो पॉम्पलेट फिश यहाँ पे आ चुकी है। ये इसका क्या प्राइस रहता है? ये मार्केट में 500 kg है। 500 rupees kg मिलती है। तो इसी तरह देख सकते हो सभी मछलियों को अच्छे से मैरिनेट किया जा रहा है। और ऊपर से अलग का और मसाला यहाँ पे लगाया जा रहा है। केले का पत्ता ले लिया गया है। अब इस पे देख सकते हो फिश को यहाँ पे रख दिया गया है। और ये ऊपर से कड़ी पत्ता यहाँ पे डाला जा रहा है। अब इसको अच्छे से लपेट देंगे। केले के पत्ते को लपेटने के बाद यहाँ पे धागे से इसको बांधा जा रहा है। ये निकलता तो नहीं इससे? ये नहीं नहीं। तो दो वंजरम फिश देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से रैप की जा रही है केले के पत्ते के ऊपर। और ऊपर से कड़ी पत्ता यहाँ पे आ चुका है। तो भैया कितना टाइम हो गया आपको लगाते हुए? 2 ईयर। 2 ईयर हो गया। तो नेक्स्ट यहाँ पे पॉम्पलेट फिश हमारी लगाई जा रही है। यहाँ पे ये आ गया ऊपर से कड़ी पत्ता। अब देख सकते हो इसको भी अच्छे से यहाँ पे रैप कर दिया गया है और धागे से फिर बांध दिया जाएगा। तो फिश को फ्राई करने के लिए यहाँ पे ऑयल डाला जा रहा है। ऑयल डाला जा रहा है। तो फिश को देख सकते हो अभी यहाँ पे तवे पे डाल दिया गया है। तो बस यहाँ पे रेडी किया जा रहा है। तो फिश को फ्राई किया जा रहा है यहाँ पे केले के पत्ते के अंदर। तो फिश तो लोगों को बहुत जगह मिल जाएगी, ऐसे मिलेगी? ऐसा फिश किधर इधर में नहीं है। इसमें अच्छा टेस्ट आता है, अच्छा बॉयल होता है और कड़ी के साथ अच्छा खाने में लगता है। तो एक साइड से देख सकते अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसको दूसरी साइड से अच्छे से फ्राई किया जा रहा है। शॉर्मा है हम लोगों के पास, बाय वन गेट वन शॉर्मा। अभी 170 में 2 शॉर्मा दे रहे हैं। प्लेट शॉर्मा भी है। 170 में 2 शॉर्मा? 200 पेरी पेरी शॉर्मा। देखो इसका पत्ता का कलर चेंज होने लगा है। अब 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। देख सकते हो फिश अच्छे से फ्राई हो चुकी है। वही जल तो नहीं होगी ना फिश? नहीं नहीं, ये अच्छा से बॉइल हो गया है और अच्छा रहता है, ऑयल नहीं ज्यादा जाता है। ये मेरा 4th टाइम है यहाँ पे आने का। यहाँ पे लोग केले के जो पत्ते में रख के कुक करते हैं, जब उसका फ्लेवर आपका पूरा फिश में आ जाता है, तो ये बहुत बढ़िया यूनिक है। खाने में भी बहुत टेस्ट है। ऐसा यूनिक फिश में कहीं पे देखा नहीं, यहीं पे वाइजैक। उनको यहाँ पे आना पड़ता है एक बार। हाँ, जरूर आके खाना पड़ेगा। तो हमारी फिश यहाँ पे लग के रेडी हो चुकी है। अब इसको यहाँ से निकाला जा रहा है। तो केले के पत्ते को अब यहाँ पे ओपन कर लिया जाएगा और अब ऊपर से यहाँ पे मसाले डाले जा रहे हैं। तो ये कौन सा मसाला रहता है? चाट मसाला। तो ऊपर से आ गया पेरी पेरी मसाला। हल्का सा ऊपर नींबू डाल देंगे। तो दोनों साइड अच्छे से यहाँ पे मसाला लगा के नींबू डाल के इसको रेडी कर दिया जाएगा। तो देखने में तो बहुत बढ़िया लग रही है, खाने में इतनी कैसी बनी है। ये हल्का सा आ गया पेरी पेरी मसाला। तो पॉम्फ्रेट फिश भी हमारे यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब इसको यहाँ पे ओपन कर लिया जाएगा। हल्का सा चाट मसाला डाला जा रहा है इसके ऊपर। और ये आ गया पेरी पेरी मसाला और ये आ गया नींबू। हमारा केले के पत्ते वाला फिश रेडी हो गया स्पेशल, अब ट्राई कर सकते हैं। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ विशाखापट्टनम के नाइट फूड मार्केट में। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे यहाँ पे वंजरम फिश लगाई गई है, जो कि केले के पत्ते के अंदर रैप करके बहुत ही अच्छे से मैरिनेट करके इसको यहाँ पे लगाया गया है। ऊपर से डाला गया है चाट मसाला और थोड़ा सा नींबू। साथ में ये है पॉम्फ्रेट फिश, इसको भी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। छोटी सी फिश होती है ये, इनकी शेजवान चटनी और साथ में आपको मिल जाएगा मेयोनीज। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले इनकी वंजरम फिश को टेस्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं ट्राई करने जा रहा हूँ चटनी के साथ। तो इनकी वंजरम फिश जो है बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है। जो ऊपर से इन्होंने इसमें मैरिनेशन की है, हल्की सी जो इस पे क्रिस्पीनेस है और जो इसमें नींबू डाला है, पेरी पेरी मसाला डाला है, टेस्ट काफी ज्यादा बढ़िया आ रहा है। तो मैंने फिश बहुत जगह खाई है बट ऐसी फिश मैंने पहली बार ट्राई की है जिसमें की केले के पत्ते का फ्लेवर भी आ रहा है। 200 रुपए की मिलेगी बट टेस्ट एकदम वर्थ इट है। तो नेक्स्ट मैं ट्राई करने जा रहा हूं यहां पे पॉम्फ्रेट फिश। तो पॉम्फ्रेट फिश मैंने बहुत बार खाई है बट केले के पत्ते के अंदर रैप करके मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूं। ये आ गई हल्की सी शेजवान चटनी। तो इनकी पॉम्फ्रेट फिश वंजरम दोनों बहुत टेस्टी बनी है। पॉम्फ्रेट का स्वाद भी एकदम थोड़ा सा अलग सा आ रहा है। तो भैया स्ट्रीट फूड मार्केट जो है, फूड कोर्ट मार्केट है, कितने बजे खुलती है यहाँ पे? यहाँ अगर 4 o'clock से ओपन हो जाता है। 4 बजे से खुलना स्टार्ट हो जाती है। और रात को कितने बजे तक रहती है? रात को 12 बजे तक रहता है लास्ट। और हफ्ते में कितने दिन खुली रहती है ये? ये हफ्ते में पूरा 6 डे खुला रहता है। 7 days open. और दुकान का नाम और एड्रेस बता दीजिए। कॉम्प्लेक्स जेल रोड फूड कोर्ट, नाइट फूड कोर्ट, शॉर्मा स्टेशन। तो अगर आप ये दोनों फिश ट्राई करना चाहते हो तो विशाखापट्टनम के नाइट फूड कोर्ट पे आके इसको जरूर ट्राई कीजिए। तो शॉप का नाम है शॉर्मा स्टेशन, दवा फिश। तो इन दोनों फिश को मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।